नमस्कार, मैं प्रिया। आज 17 मई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मंगल पांडे ने राज्य मुख्यालय में रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा होने की कही बात। आपदा विभाग ने लू से बचने के लिए बताया उपाय। बाढ़ के दौरान अब ऑन स्पॉट होगी पानी की गुणवत्ता की जांच। बिहार में फसल सहायता योजना के लिए इस तारीख से पहले करें आवेदन। अब आधार कार्ड के बिना भी लगाई जा सकती है वैक्सीन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बाढ़ के दौरान अब ऑन स्पॉट होगी पानी की गुणवत्ता की जांच। बिहार में संभावित बाढ़ को देखते हुए पंचायत की महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पीएचईडी ने संभावित बाढ़ को देखते हुए फील्ड टेस्टिंग किट से पानी की गुणवत्ता जांच करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी कई बार निर्देश जारी कर दिया है। वहीं विभाग ने अब जाकर के तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही विभाग ने इसके लिए हर पंचायत में 5 महिलाओं को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है, जो जलापूर्ति योजना से जुड़ी है, ताकि लाभुक खुद पानी की गुणवत्ता जांच कर सके और वो इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाए कि पानी बिल्कुल शुद्ध है। बीते दिन संक्रमण के मिले 7,000 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कोविड-19 कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। यही कारण है कि लगातार मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुल मिलाकर 6,894 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 75,089 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 236, अरवल में 66, औरंगाबाद में 81, बांका में 39, बेगूसराय में 270, भागलपुर में 169, भोजपुर में 52, बक्सर में 49, दरभंगा में 127, ईस्ट चंपारण में 297, गया में 381, गोपालगंज में 188, जमुई में 167, जहानाबाद में 42, कैमूर में 10, कटिहार में 205, खगड़िया में 124, किशनगंज में 178, लखीसराय में 80, मधेपुरा में 179, मधुबनी में 267, मुंगेर में 155, मुजफ्फरपुर में 192, नालंदा में 193, नवादा में 6403, पूर्णिया में 221, रोहतास में 72, सहरसा में 194, समस्तीपुर में 331, सारण में 228, शेखपुरा में 33, शिवहर में 59, सीतामढ़ी में 84, सिवान में 169, सुपौल में 240, वैशाली में 180, वेस्ट चंपारण में 138 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 31 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 14,202 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5,72,987 पर पहुंच गई है। बिहार के लोगों को आपदा विभाग ने लू से बचने के लिए बताया उपाय। बिहारवासियों को जहां कुछ दिनों पहले मौसम से थोड़ी राहत मिली थी, वहीं अब एक बार फिर से लू के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत ही राज्य में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में आपदा विभाग ने इससे बचने के लिए उपाय जारी कर दिए हैं। आपदा विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जहां तक संभव हो लोग घर से बाहर ना निकले। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि गर्मी के मौसम में कड़ी मेहनत ना करें। इसके अलावा गर्मी के दिनों में घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, नमक पानी का घोल और आम का पन्ना आदि का सेवन करें। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी ने बताया कि इस साल बिहार में मॉनसून के सामान्य एंट्री की संभावना है। उन्होंने बताया कि केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आने से सामान्य तारीख 1 जून है। बगहा कालेश्वर धाम मंदिर का सुंदरीकरण का काम हुआ तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर कोविड-19 के माहौल में भी लगातार काम जारी है। इसी क्रम में अब जल्द ही बगहा कालेश्वर धाम मंदिर के सुंदरीकरण के काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 100 करोड़ की लागत से सुंदरीकरण अंतिम दौर में है, जिसके तहत गंडक नदी के तट पर पाथवे एवं इको पार्क का निर्माण किया गया है। इसी में समाहित कालेश्वर स्थान का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस बाबत NNT कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विनय प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कालेश्वर मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसका काम कई सालों से अटका पड़ा था। भारत बायोटेक ने नए स्ट्रेन पर कोवैक्सीन के असरदार होने की कही बात। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच भारत को राहत की खबर मिली है, जिसके तहत भारत बायोटेक ने हाल ही में दावा किया है कि भारत और ब्रिटेन में मिले स्ट्रेन पर कोवैक्सीन काफी ज्यादा असरदार साबित हो रहा है और पूरी तरीके से सुरक्षित भी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, देश में जारी टीकाकरण अभियान में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की जा रही कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का सर्वाधिक इस्तेमाल हो रहा है। कोवैक्सीन पूरी तरह से देश में विकसित टीका है। पूर्व राज्यपाल रघुनंदन लाल भाटिया के गुजर जाने पर बिहार में एक दिन का राजकीय शोक। बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल रह चुके रघुनंदन लाल भाटिया ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर देखने को मिली। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि बिहार के पूर्व राज्यपाल रघुनंदन लाल भाटिया जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वो एक कुशल राजनेता थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में अपूर्णीय क्षति हुई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिवंगत आत्मा की शांति हेतु
राज्य सरकार द्वारा एक दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अमृतसर से 6 बार सांसद रहे 100 वर्षीय रघुनंदन लाल भाटिया का बीमारी के कारण निधन हुआ है। ब्लैक फंगस मरीजों के लिए बिहार को मिली बड़ी सौगात। कोविड-19 के मामलों के बीच बिहार में ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी बीच बिहार को कोविड-19 के माहौल के बीच बड़ी सौगात मिली है, जिसके तहत बिहार को 6000 वायल लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन दिए गए हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। इस बाबत मंगल पांडे ने बताया कि कुछ दिनों से अस्पताल में ब्लैक फंगस के केस की जानकारी प्राप्त हुई है। राज्य सरकार इन मरीजों के उपचार और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर गंभीर है, जिसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए इंजेक्शन RMRI पटना में भंडारित रहेंगे, जहां गठित कमेटी के आदेश के बाद मरीजों के समुचित पहचान पर संबंधित अस्पताल द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में फसल सहायता योजना के लिए इस तारीख से पहले करें आवेदन। बिहार के किसान नगर फसल सहायता योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए आवेदन भरने की तारीख जारी कर दी गई है, जिसके तहत आगामी खरीफ फसल के लिए कृषि विभाग में निबंधित किसान सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर 31 जुलाई तक फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें, इसके जरिए तय होगा कि राज्य में किस जिले के किस प्रखंड की पंचायत में खरीफ का उत्पादन कैसा हुआ है। रिपोर्ट को सभी देख सके इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। कटनी की रिपोर्ट से ही तय होगा कि किसान का क्या मुआवजा दिया जाए, जिसके बाद मुआवजे का निर्धारण 15 मार्च 2022 को किया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दलेर मेहंदी की। दलेर मेहंदी भारत में बॉलीवुड में जाना माना नाम है, जिनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 18 अगस्त 1967 को हुआ था। पेशे से गायक, संगीत निर्माता, गीत लेखक भी है। उन्होंने फोक, रॉक एंड पॉप, भांगड़ा संगीत गाया है। उनका असली नाम दलेर सिंह है, लेकिन संगीत की दुनिया में इनको दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है। दलेर मेहंदी एक भारतीय गायक, संगीत लेखक और म्यूजिक निर्माता भी है। दलेर मेहंदी का नाता एक ऐसे परिवार से है जिसमें हमेशा से गायकों की भरमार रही है। दलेर मेहंदी ने अपनी बुलंद आवाज से के सारे संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है। इसके साथ ही बॉलीवुड संगीत का पूरा श्रेय जाता है। आपको बता दें, दलेर मेहंदी का पहला गाना जिसने खूब सुर्खियां बटोरी है वो है बोलो तारा रारा। बिहार के सरकारी स्कूल में कंप्यूटर से होगी पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत ही अब राज्य में कक्षा 6 से इससे ऊपर यानी कि 10वीं तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण से जोड़ने को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। इससे करीब 75 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसको लेकर सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक नई कमेटी बनाई है, जो कंप्यूटर शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम को तैयार करेगी। वर्तमान में सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है। गंडक नदी के चैनलाइजेशन कार्य को लेकर पर्यटन मंत्री ने लिखी चिट्ठी। गंडक नदी के चैनलाइजेशन का काम किया जा रहा है, हालांकि इस पर पर्यटन मंत्री ने नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर पत्र जारी किया है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने पत्र के माध्यम से कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती गंडक नदी में 10 किलोमीटर तक चैनल का निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड निर्माण इकाई 8 लखनऊ की तरफ से किया जा रहा है। इस चैनल के निर्माण होने से यूपी की तरफ से होकर बहने वाली नदी की मुख्य धारा को गंडक नदी के चंपारण तटबंध से होकर गुजरने वाली धारा विलय कर दिया जाएगा। इससे चंपारण तटबंध पर दो मुख्य नदियों की धाराओं का दबाव बढ़ जाएगा। चंपारण तटबंध इतना दबाव नहीं सह सकता। मंगल पांडे ने राज्य मुख्यालय में रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा होने की कही बात। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में बिहार में लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर आ रही शिकायतों के बीच अपना बयान बीते दिन जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है। जिसके तहत उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा हेतु इंजेक्शन का 14,000 वायल उपलब्ध कराया गया था। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य के विभिन्न जिलों और अस्पतालों में 37,430 डोज उपलब्ध कराया गया है। साथ राज्य मुख्यालय में 50,321 रेमडेसिविर का डोज उपलब्ध है। शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को लागू करने की सरकार की तैयारी पूरी होने की कही बात। बेरोजगारी के माहौल में बिहार के हर जिले में युवा उद्यमी और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 1 जून 2021 से लागू करने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही बिहार में उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए पहले से चल रही दो योजनाएं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजनाओं के तहत भी नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे, जिसकी जानकारी उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दी है।
नालंदा में अब नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। बिहार में ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए बिहार सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में लगी हुई है। इसी क्रम में प्रत्येक जिला में भी लगातार ऑक्सीजन को लेकर खुशखबरी सामने आ रही है। इसी क्रम में नालंदा जिला में से भी राहत की खबर सामने आई है। नालंदा जिले में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने एक सप्ताह पूर्व नालंदा जिला मुख्यालय समेत सभी अनुमंडलों में कुल 3 ऑक्सीजन प्लांट की अनुशंसा अपने सांसद निधि मद से की है। पिछले 2 सप्ताह से ऑक्सीजन प्लांट मशीनरी लगाने वाली कुछ कंपनियों के फील्ड ऑफिसर से बात हुई, जिसमें नालंदा में 3 अलग अलग जगहों पर प्लांट स्थापित किए जाने को लेकर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन ने रखा 15 सूत्री एजेंडा। महागठबंधन ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने 15 सूत्री एजेंडा पेश किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं की 3 घंटे तक वर्चुअल मीटिंग करवाई गई थी, जिस पर सरकार को अलग अलग बिंदुओं पर महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों की तरफ से सुझाव और प्रस्ताव दिए गए। महागठबंधन ने नीतीश सरकार को यह बता दिया कि महामारी के इस दौर में उसने जनता के बीच अपना भरोसा खो दिया है। इसके साथ ही इस बैठक के बाद महागठबंधन ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने 15 सूत्री एजेंडा रखा है, जिसमें महागठबंधन की तरफ से सरकार की खामियों को पूरी तरीके से दर्शाया गया है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग होने पर दिया बयान। एक समय था जब प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के लिए बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर काम किया था। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों की दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई। इसी को लेकर अब प्रशांत किशोर ने अपना बयान जारी किया है। हाल ही में एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे पावर दिया था, उनका कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है, मैं ही उनको छोड़ाया हूं। आपको बता दें, हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर से पूछा गया था कि क्या आप नीतीश कुमार की सरकार में सलाहकार थे। इसी सवाल के जवाब में उन्होंने यह बातें कही हैं। केंद्र ने राज्यों से राशन की दुकान को देर तक खोलने की अनुमति देने को कहा। राशन की दुकानों को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को अपना आदेश जारी किया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राज्यों से राशन की दुकानों को सभी दिन और देर तक खोलने की अनुमति देने की अपील की है। इसका मकसद गरीबों को समय पर और सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त तथा मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने परामर्श जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय को यह जानकारी मिली थी कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राशन की दुकानों पर अनाज वितरण के समय में कमी की गई है। इससे लाभार्थियों को अनाज प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। अब आधार कार्ड के बिना भी लगाई जा सकती है वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने के लिए अब आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार UIDAI ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस बात को साफ कर दिया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी उन्हें वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी। जिसके तहत UIDAI ने अपने बयान में कहा कि किसी भी मरीज को दवा अस्पताल में भर्ती करने से या इलाज करने से सिर्फ इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। आधार के बिना भी जरूरी काम और सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद देश में जारी टीकाकरण अभियान के बीच UIDAI का बयान काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संजय झा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने हाल ही में DMCH की जर्जर व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा था, जिसके बाद अब संजय झा ने भी दरभंगा के DMCH के जर्जर हालत पर दिए गए बयान का जवाब दिया है, जिसके तहत ही संजय झा ने कहा कि पी चिदम्बरम जैसे सलाहकारों की वजह से कांग्रेस की नैया डूबी है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाया कि विरासत में कुर्सी मिली और खुद को भगवान समझ बैठे। इसके साथ ही अपना बयान जारी करते हुए राज्य के विकास को लेकर उन्होंने ललकारा और पूछा कि कभी दरभंगा एयरपोर्ट पर एम्स नाम सुना है कि नहीं। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार जमीन से जुड़े हुए जननेता है। COVID-19 के मामलों को लेकर लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। COVID-19 की दूसरी लहर में बिहार में काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिली है। हालांकि लॉकडाउन के फैसले के बाद से मामलों में कमी तो देखने को मिली, लेकिन फिर भी विपक्षी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सरकार का घेराव बीते दिन एक बार फिर से किया, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि सरकार बस दो ही काम दिल लगाकर कर रही है, एक जनता की उम्मीदों पर और सपने उजाड़ रही है, वहीं दूसरी बात यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। केजरीवाल की खांसी का मजाक उड़ाने पर ट्विटर पर ट्रोल हुए शत्रुघ्न सिन्हा। बिहार से निकले अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ट्विटर पर ट्रोलर के निशाने पर आ गए हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खिंचाई की, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना काल में केजरीवाल खांस नहीं रहे। हल्के अंदाज में मजा लेने के लिए किए गए इस ट्वीट को लेकर यूजर ने शत्रुघ्न सिन्हा को ट्रोल कर दिया, जिसके तहत कई यूजर ने लिखा कि यह मजाक का समय नहीं है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए 1769 में बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। सुनील गावस्कर ने 1987 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। देश की सबसे पुरानी पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने 2010 में कबड्डी विश्व कप का आयोजन करने की घोषणा की। देश के मशहूर गजल गायक पंकज उदास का जन्म 1951 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति तथा होटल लीला समूह के संस्थापक सीपी कृष्ण नायर ने 2014 में दुनिया को अलविदा कहा। आज ही के दिन को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भुवनेश्वर कुमार ने टेस्ट नहीं खेलने की खबर से साफ किया इनकार। बीते दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि भारतीय टीम के खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार टेस्ट जैसे लंबे फॉर्मेट में अपनी फिटनेस के कारण नहीं खेलना चाहते हैं। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने ऐसी खबरों को साफ तौर से नकार दिया है। इसको लेकर भुवनेश्वर ने ट्वीट करके कहा कि मेरे बारे में खबरें आ रही हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने हमेशा खुद को तीनों प्रारूप के लिए चयन के लिए तैयार किया है और आगे भी करता रहूंगा। Amazon इंडिया लेकर आया है मुफ्त वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा। अक्सर सभी एप्लीकेशंस अपने यूजर को बनाए रखने के लिए नए नए फीचर्स को लाते रहते हैं। इसी क्रम में Amazon इंडिया ने भी अब फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा देने का ऐलान किया है। Amazon इंडिया ने इस बाबत दुनिया भर में पहली बार मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिनी टीवी एक मुफ्त विज्ञापन समर्थित वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है जो Amazon शॉपिंग ऐप पर उपलब्ध है। इसके लॉन्च के साथ Amazon के पास दो मनोरंजक वीडियो ऑफरिंग्स है, मिनी टीवी और प्राइम वीडियो। मिनी टीवी पूरी तरह से मुफ्त है और इसके लिए अलग ऐप की जरूरत नहीं है। प्राइम वीडियो को प्राइम सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है और यह पुरस्कार विजेता Amazon ओरिजिनल नवीनतम फिल्मों और टीवी शो अंग्रेजी और नौ भारतीय भाषाओं में संग्रह प्रदान करता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,070 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,070 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 94.79 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 88.32 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दीपक कुमार, दीपा कुमारी, राज जोशी, शंकर मुखिया, रीना कुमारी, सोनू कुमार, मोनू सिंह, धर्मेंद्र कुमार, धीरेंद्र कुमार, श्वेता सिंह, प्रभु कुमार, दीपांशु कुमार, दिव्यांशी कुमारी, सनी कुमार, कुमार रवि, सत्यम कुमार, धीरेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को अभी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आप लू से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।